Hi. मैं यही कहना चाहूँगी, आई थिंक OTT अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है. आई थिंक जो OTT के स्टार्स हैं वो कहीं फिल्म स्टार्स से कम नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं. एंड जो एक शोज़ आ रहे हैं बहुत ही मॉडर्न किस्म के, और बहुत ही जो लोग हैं बहुत ही यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, फ्रेश स्टोरीज़ लेकर, ऑफ बीट स्टोरीज़ लेकर. सो एंड आई थिंक एक एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल गया है. आई जस्ट सॉ महारानी, महारानी 2 मैंने अभी देखा, बहुत ही पसंद आया मुझे. और काफ़ी शोज़ ऑफ कोर्स OTT में तो बहुत ही फॉलो करते हैं हम. दिल्ली क्राइम, फंटास्टिक शो, फंटास्टिक परफॉर्मेंसेस. अभी तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई मीन वी आर ऑन OTT ऑल द टाइम, ऑल ऑफ अस. धमाका तो नहीं मालूम, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे मुझे OTT पे. आई एम करंटली शूटिंग फॉर अ शो, सो मैं चाहूँगी कि इसके प्रोड्यूसर्स ही अनाउंस करें. अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ है, सो लेट्स होप इट टर्न्स आउट गुड. ऑडियंस मुझे एक अलग किरदार में देखेगी. मैं ये कह सकती हूँ सलवार कुर्ते नहीं है इसमें, साड़ियाँ नहीं है, एक्शन भी नहीं है, लेकिन एक रियल कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है. या थैंक यू. कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिल रहे. मैं जूरी में थी तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, हम लोग सब साथ में हमने काफ़ी डिस्कशन किए. और जो जिसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, होपफुली वी हैव टेकन द राइट चॉइसेस, वी हैव मेड द राइट चॉइसेस. फिर बाकी सब तो ऑडियंस की मर्जी है. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इज़ दैट आप इतने सारे अच्छे एक्टर्स को देखते हो, इतने अच्छे डायरेक्टर्स को देखते हो, सबको एक चांस मिल रहा है और वो बहुत अच्छी चीज़ है. सो अभी फाड़ू आएगा दे, ओके अभी फाड़ू आएगा. अरे यार ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ. फाड़ू 2-3 महीने में आ जाएगा, और जो मेरी वेब सीरीज़ है सोनी लिव पर. और काफ़ी हम फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तरला आ रही है हुमा कुरैशी के साथ, और बस करो आंटी है जो हम सिड रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला और स्टार वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टूडियोज़ के साथ. और काफ़ी लिख रहे काम तो चल रहा है. हाँ जी, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके थैंक्स. Thank you.
one sec, huh? Can I come back in one sec? Once? Oh, no, I know, okay. Yeah. Thank you. Thank you. Outfit ke bare mein? Achha, so I'm wearing Nivedita Sabu, of course, always styled by Devki. And excited because I'm hosting. So, jaldi jaldi red carpet khatam karke, jaldi jaldi bhagna hai. हाँ, OTT ने तो ऑफकोर्स गेम चेंज कर दिया है कई लोगों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए. तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. इट्स ग्रेट दैट वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि काफ़ी लैंग्वेजेस के यू नो जितने भी डिजर्विंग विनर्स हैं, नॉमिनीज हैं, उन सबको कंसिडर किया गया है. मलयालम, कन्नडा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एवरीबडी. सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट देव डन एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम होस्टिंग इट. मेरी अदाओं से अरेस्ट करना चाहूँगी. नहीं, एक्चुअली या आपका शिक्षा मंडल में कॉप हूँ एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज करूँगी. तो अगले साल आई थिंक OTT प्ले पे दिल थिंक आई एम ऑल्सो डिजर्विंग टू नॉमिनेट माई सेल्फ. बट या आई जस्ट वॉन्ट टू डू ग्रेट वर्क एंड शिक्षा मंडल आ रहा है 15 सितंबर को. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू. उम्मीद तो यही है. आई एम सो ग्रेटफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा कक्कर की आवाज़ है, रोहन प्रीत सिंह की आवाज़ है. तो वी जस्ट वॉन्टेड टू डू जस्टिस टू द वीडियो एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट्स क्रॉस 10 मिलियन व्यूज एंड ऑल द लव एंड ऑल द रील्स आर मेकिंग मी वेरी हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. यार आई थिंक बहुत समय से होस्टिंग कर रहा हूँ पर आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है. मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे जाना, होस्ट करना, मज़े करना. और अच्छा ये लगता है जो मैं करता हूँ लोगों को वो पसंद आता है. तो बस कोशिश करता हूँ हर साल उसको और इम्प्रूव करता रहूँ और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ. नहीं, मैं खुद बहुत देखता हूँ यार. आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जो है, चाहे जितने भी हों, लोगों को बहुत पसंद है. आई थिंक जो कंटेंट वहाँ पे आ रहा है लोगों को वो बहुत पसंद है. और पहले सिर्फ होता था एक दो शोज़ की बात होती थी, आजकल हर तरह के शोज़ की, हर लैंग्वेज के शोज़ की बात होती है. सो आई थिंक या ये दिन ब दिन क्रेज़ बढ़ रहा है. हाँ, मैं भी OTT पे डेब्यू करने वाला हूँ. तो फ़िलहाल उसी की वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है. ज़्यादा नहीं बता सकता. रितम श्रीवास्तव जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं. जी सीम्स प्रोडक्शन हाउस है, जियो है, यू नो जियो स्टूडियोज हैं. आई थिंक वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, पूरा उन्हीं का है. तो आई थिंक एक एक थ्रिलर है, ड्रामा है एंड लोगों को एक अलग रूप में देखने को मिलेगा. देखिए, मैं एक तो नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ये लिस्ट बहुत लंबी है. आजकल लोगों के OTT प्लेटफॉर्म फेवरेट नहीं होते, OTT पे आया कॉन्टेंट फेवरेट होता है. देखिए, मैं अभी दिल्ली क्राइम्स 2 देख रहा था और एक एपिसोड बचा है, लेकिन माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज हैं, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है, कितने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, एक एक किरदार कमाल का. थैंक यू सो मच यार. थैंक्स लॉट. किस्त में झलक में किसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लग रहा है? आई थिंक करण सर का. आई थिंक उनका परफॉर्मेंस बेस्ट है. माधुरी जी का परफॉर्मेंस बहुत कातिलाना रहता है हमेशा. और थोड़ा थोड़ा मैं भी ठीक ठाक कर रहा हूँ. 12 घंटे
देखिए किसी देखिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे मेरे दोस्त हैं और ये एक प्रतियोगिता है, तो मैं किसी की तरफ पार्शियल या बायस नहीं होना चाहूँगा, बट आई थिंक इतना कह सकता हूँ सारे नॉन डांसर्स हैं, ट्रेन डांसर नहीं हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर खुशी की बात यह है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के कि झलक एक बार फिर वापस आ चुका है और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बस वही है एंटरटेन करते रहे आगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. That is not. Thank you. I mean, it's just been wonderful, right? इतनी सारी कहानियाँ हैं सुनने के लिए, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो लोग कहना चाहते हैं और जिससे देखने के लिए एक ऑडियंस हमने क्रिएट की है. We've got like people who are now loyal fans of characters and not just like actors that you see. Like hum log hamare character se pehchane ja rahe hain. Aur this used to only happen like in the movies back in the day, you know, when you had Amitabh Bachchan known as the angry young man. Now there's like koi mere ko kubra bulata hi nahi hai yaar, sab kukku kukku hi bulate hain. To फिलहाल तो मैं लाइक एवरी वन एल्स आई एम वॉचिंग हाउस ऑफ ड्रैगन्स एंड आई एम रियली एंजॉइंग शी हल्क और हमारे शोज में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीमेक ऑफ ओदा तनाव. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सर लुक सेंटर भाई. ओटीटीज ने तो एक बहुत बड़ी दुनिया खोल दी है परफॉर्मर्स के लिए, टैलेंट के लिए, तो एक्साइटमेंट तो है ही है. और ओटीटी ने बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है और अच्छे कंटेंट के लिए रास्ता खोल दिया है, तो बहुत अच्छा है.
लगता है जो सही टैलेंट है उसको उसको उसका मुकाम मिलना चाहिए, और वो ओटीटी पे हो, ओटीटी पे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पर कि सिर्फ एक किरदार पर निर्भर नहीं होता है, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हैं उन सब पे फोकस किया जाता है और सारे खेल के आते हैं। मेरी कुछ फिल्में हैं, गणपत है, कैप्सूल गिल है, सक्सेना मुझे सक्सेना है, अमेज़न पे शो है, बाबा ब्लैक शीप है और गुल्लक सीजन 4 अभी तैयारी होगी। एक्सपेक्टेशंस है वो मालूम है क्योंकि मैं ज्यूरी पर हूँ और एज अ ज्यूरी अच्छा लग रहा है बिकॉज ओटीटी अवार्ड्स ओटीटी हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा हो गया आजकल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हमारा ओटीटी पर है तो, और इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, इतने डायरेक्टर्स, इतने मेकर्स हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, तो उन्हें जज करना, उन्हें देखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आई थिंक आई हैड अ वेरी फैब ज्यूरी विद मी और प्लस पॉपुलर अवार्ड्स भी साथ में हैं। So yes, looking forward to see who actually won. देखिए जूरी के अपनी जजमेंट है, फिर पॉपुलर अवार्ड्स होंगे साथ में। सो मेरे साथ आनंद सर थे, आनंद राय थे, अश्विनी तिवारी थी और आदिल हुसैन थे, और जो हमें सही लगा वो हमने किया और बाकी ऑफ कोर्स पॉपुलर के साथ में मैच करके जो होगा। मैं क्या देख रही हूँ, मैं खूब सारी फिल्म, मैंने दिल्ली क्राइम देखा, फिर मैंने महारानी 2 देखा, फिर अभी वो कौन सी फिल्म आई है अब, या आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ इट। अब आप मुझे जल्दी एक शो में अमेज़ॉन पे देखेंगे, और बहुत सारी फिल्में ज़्यादा कर रही हूँ, शो कम कर रही हूँ।
first expectation is to just celebrate because a lot of good work has happened on the OTT front, and I love all OTT awards because such good content gets appreciated. All the newer actors जो पहले शायद इतने नहीं जो लोग इनको जानते थे अब वो सब उभर कर आ रहे हैं सामने एंड दैट इटसेल्फ एंड इस तरह का कंटेंट अभी ओटीटी पे देखने को मिल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हु ऑल टेक द ट्रॉफी होम आजकल आई सॉ घर वापसी ऑन हॉटस्टार विच आई रियली लाइक्ड क्रिमिनल जस्टिस 3 ऑन हॉटस्टार आई रियली लाइक्ड डार्लिंग्स जो मूवी आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी डेली क्राइम इज़ ब्यूटिफुल दिस इज़ इन द रीसेंट टाइम्स आई एम श्योर अभी आज हम शायद पुराने शोज़ को अप्रिशिएट करेंगे गुड लक वॉज वन ऑफ देम दैट वॉज रियली नाइस सो लेट्स सी सॉरी सुल्तान ऑफ दिल्ली करके एक वेब सीरीज़ है विच इज़ डायरेक्टेड बाय मिलिंद लुथरिया वो हॉटस्टार पे देखेंगे आप देयर इज़ अ फिल्म जहाँ मैं साइको किलर का रोल निभा रही हूँ वो आएगी कहीं किसी ओ टी टी पे आई एम वी आर नॉट श्योर विच वन येट देन देर इज़ अ फिल्म कॉल बर्लिन विच विल कम आउट सून आई थिंक नेक्स्ट ईयर असुर सॉरी असुर इज़ गोइंग टू कम आउट असुर सीजन 2 जो वी आर होपिंग दैट इट बी आउट इन अक्टूबर नवंबर थैंक यू Special dress I got from Dubai, and I have liked this color combination, and now it's a fashion, so I purchased this from Dubai. क्या लें नहीं बहुत एक्साइटिंग है ये शाम भी एक्साइटिंग है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मुझे लगता है कि ओटीटी की वजह से हमें मौका मिल रहा है कुछ ऐसे किरदारों को आगे लाने का कुछ ऐसी कहानियों को आगे लाने का जिसे पहले मौका नहीं मिलता था हमें तो मुझे लगता है एज एन एक्टर आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ स्टोरी टेलर आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस तरह का मौका मुझे लगता है कि मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ इस तरह का मौका मुझे लगता है कि कभी पहले मिला नहीं है इस तरह की कहानियाँ बोलने का अलग अलग शोज हैं ऐसा कुछ इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसका जो प्रीक्वल है वो देख रहा हूँ इस वक्त और सक्सेशन भी देख रहा हूँ और कुछ हिंदी शोज़ भी देख रहा हूँ तो अलग अलग शोज़ हैं जो इस वक्त पसंद कर रहा हूँ हाँ बस वही इरादा है भैया चलिए थैंक यू सो मच
I'm really excited to participate in this OTT award. I'm from Tamil industry. I'm an actor from Tamil industry. And I also do movies in Malayalam. It's a really great honor and I'm so much excited. Thank you. Good evening to all. How? Sorry, man. पहले तो बहुत सारा नर्वस हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा ऐसा है, हिंदी भी नहीं बोलते, मेरा दक्कनी है थोड़ा, हैदराबाद से ऐसा है, बोले तो अब क्या है, काफ़ी आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट टुनाइट एंड दिस इज़ न्यू एज एन एक्सपीरियंस. बॉम्बे में आके ऐसा, मुंबई में आके ज़रा अवार्ड लेना बोले तो बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू सो मच हिंदुस्तान टाइम्स एंड ओटीटी प्ले. थैंक यू. Very excited since this is India's first Pan India OTT award show. Very excited to be here since this is one of the kind. So looking forward to tonight's event. Thank you so much. So this is my first red carpet. So my stylist who's here, she designed this whole outfit and this look. So thank you so much. The credit goes to her. And what I'm watching currently, I'm watching this show called Mo on Netflix. M-O. It's called Mo. It's on Netflix. I'm watching that show. Thank you. Thank you so much.